पाकिस्तान ने भारत की हंसी उड़ाते हुए ये कहा है कि तुम्हारी सारी कहानियां झूठे हैं, तुम्हारे सारे मेडल्स, तुम्हारे सारे वीरता चक्र झूठे हैं। उनका ये कहना है कि अभिनंदन को जो वीरता चक्र मिला है वो मिलिट्री नॉर्म्स के हिसाब से नहीं मिला, और जिस घटना के लिए उनको वीरता चक्र मिला है वो घटना कभी हुई ही नहीं। जिस विमान को अभिनंदन ने मार गिराया था उसका स्टॉक मार्केट गिर गया, उसके खरीदार अंतरराष्ट्रीय मार्केट में खत्म हो गए, और ये बोल रहे हैं कि वो घटना बिल्कुल इमेजिनरी थी। पाकिस्तान के अखबार में आगे ये लिखा है कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी और साथ ही के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के एक्सपर्ट भी ये कहते हैं कि कोई पाकिस्तान का F-16 तो मारा ही नहीं गया था। उन एक्सपर्ट्स की पोलें भी खुलेंगी और सबूत सामने आएंगे, क्योंकि कुछ लोग ये चाहते हैं कि F-16 का नाम उस बैटल से हमेशा के लिए हट जाए जो इतनी बड़ी शर्मिंदगी अमेरिकन फाइटर जेट की हुई है। और पाकिस्तान का ये दावा कि हमने इसीलिए अभिनंदन को जेस्चर ऑफ पीस के लिए छोड़ दिया था, उसका भी खुलासा होगा। युद्ध के अंदर बेहतर उपकरण से हार जीत का पलड़ा इधर से उधर होता है, मगर वो उपकरण क्या करेंगे जब सामने वाले ने अपनी बेइज्जती कराने का ठेका ले रखा हो। 1965 के वॉर के अंदर भी पाकिस्तान के पास में अमेरिकन पैटर्न टैंक थे जो कि इंडिया से बहुत उन्नत थे, मगर फिर भी पैदल सैनिकों के सामने अमेरिका के इन टैंकों की बेइज्जती पाकिस्तान को करवानी थी, उसने करवाई। और परमवीर चक्र अब्दुल हामिद उस बैटल के हीरो थे जिसके सामने अमेरिका के ये पैटर्न टैंक्स कबाड़ा साबित हुए। उस समय के पाकिस्तान से भी अगर कोई पूछता तो पाकिस्तान यही कहता कि ये सारी की सारी घटनाएं झूठी हैं, ये सारी की सारी फोटोएं हैं, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। परमानेंट डिफॉल्टर तो परमानेंट डिफॉल्टर होते हैं, उनकी हर एक बात झूठी होती है, मगर सबूतों के ऊपर नजर डालते हैं। वीर चक्र अभिनंदन ने जो F-16 की हालत बनाई उसको पाकिस्तान ने एक फार्सिकल स्टोरी का नाम दे दिया। फार्सिकल का मतलब हास्यास्पद। ऐसा करके पाकिस्तान ने केवल इंडियन एयरफोर्स के पायलट का ही अपमान नहीं किया है, पूरे के पूरे सैनिकों के, पूरे विश्व के सैनिकों का अपमान किया है। और ये बात केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने आधिकारिक तौर पर हंसी उड़ाई है इस वीरता भरे कारनामे की। अमेरिका का बनाया हुआ F-16 बहुत ही उन्नत विमान समझा जाता है मिग के सामने, मगर मिग ने जब से F-16 को ठोका है उसके खरीदार गिर गए। जो कंपनी उसको बनाती है उसके लिए अब बड़ा मुश्किल हो रहा है F-16 को बेचना, और उसकी वजह से F-16 को अब रीब्रांड करके F-21 के नाम से बेचा जा रहा है, ताकि इसकी जो इमेज है वो इसके ऊपर कैरी ऑन ना हो। न्यूजीलैंड के डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स एनालिस्ट इस बात को लिखते हैं कि जब से अभिनंदन ने F-16 को गिराया है यह बहुत ही खराब दौर चल रहा है लॉकहार्ट मार्टिन का, जो कि F-16 बनाती है कंपनी। सीधी सी बात है कि 10 गुना ज्यादा महंगा F-16 को जब मिग ठोक देता है तो उसके ऊपर खरीदार अपना पैसा क्यों खर्च करेंगे। और F-16 को बनाने वाली जो कंपनी है लॉकहार्ट मार्टिन, उसके शेयर्स लगातार गिर रहे हैं, कुछ तो हुआ ही होगा। भारत कोई पाकिस्तान की तरीके से तो है नहीं, जो मन में आया बोल दिया, बिना सबूत बोल दिया। पाकिस्तान तो पहले यह कह रहा था कि F-16 उस एयर स्ट्राइक के अंदर शामिल नहीं थे, बाद में वो झूठा निकला था। और ऐसी बात नहीं है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के ऊपर केवल पाकिस्तान ने ही क्वेश्चन उठाए थे, कांग्रेस के सैम पिट्रोडा ने भी क्वेश्चन उठाए थे, जिसको बाद में कांग्रेस ने स्वीकार करने से मना कर दिया था। भारत के अंदर लोकतंत्र है, आप जिसके ऊपर चाहो क्वेश्चन उठाओ, चाहे आर्मी के ऊपर उठाओ, चाहे वीर चक्र के ऊपर उठाओ। जिस दिन ये डॉग फाइट हुई थी उस दिन पाकिस्तान सबसे पहले ये बोल रहा था कि हमने F-16 जेट्स को इस्तेमाल ही नहीं किया, और जब हमने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया तो इंडिया उसको शॉट डाउन कर ही नहीं सकता। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर इस्तेमाल ही नहीं किया तो शॉट डाउन कैसे किया, इसका मतलब अगर इस्तेमाल किया होगा तो शॉट डाउन भी किया होगा। देखते हैं सबूत। जिस समय अभिनंदन के मिग ने F-16 को इंटरसेप्ट किया था उस समय हवा में 3 F-16 मौजूद थे, मगर इसके जस्ट बाद में क्या होता है कि 2 ही रह जाते हैं, और ये जो तीसरे वाला F-16 है ये गायब हो जाता है वहां से। गायब इसलिए हो जाता है क्योंकि वो फूट गया था। पाकिस्तान को ये चाहिए कि इसी प्रकार से एयर डेटा रिकॉर्डर का, जो रडार का डेटा है, वो इंडिया के सामने प्रस्तुत करे, इंटरनेशनल मीडिया के सामने प्रस्तुत करे और सबको बताए कि देखिए हमारा F-16 तो वहां पे था ही नहीं, मगर वो तो वहां पर था। तो एक मिग के सामने 3 F-16 थे, एक को मार गिराया गया था, मगर दूसरे F-16 ने मिग के ऊपर मिसाइल चला दी। मिसाइल चलाई है तो मिसाइल लगी भी होगी, और अगर वो मिसाइल दिख जाए तो पता लग जाए कि वो कौन से विमान से चली है, तो हमको पता लग सकता है कि वहां पर F-16 था या नहीं था। भारत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी पत्रकारों को बुलाकर ये दिखाया था कि ये देखिए ये उसी मिसाइल का हिस्सा है, और इसका सीरियल नंबर तक दिया था। हर एक मिसाइल का अलग सीरियल नंबर होता है, जैसे हर एक मोबाइल का अलग होता है, उससे पता पड़ जाता है कि ये कहां से चली है। F-16 के ऊपर लगने वाली मिसाइल F-16 से ही चलेगी। पाकिस्तान ने एक और दावा किया था कि जो एक्सपर्ट्स हैं मिलिट्री के, यूनाइटेड स्टेट्स वाले, उन्होंने भी कहा है कि देखिए F-16 तो मारा ही नहीं गया था। इसका मतलब है कि वो खबर कहीं ना कहीं प्रकाशित हुई होगी जिसके बेसिस पर ये कह रहे हैं कि US मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने ऐसा कहा था। कौन थे वो US मिलिट्री एक्सपर्ट? अमेरिका की एजेंसी है
एसोसिएटेड प्रेस और यूएस न्यूज के ऊपर ये खबर छपी है F-16 के बारे में। और खबर के अंदर पाकिस्तान के क्लेम्स तो लिखे गए हैं मगर यूएस एक्सपर्ट्स के क्लेम्स कहीं पर भी मौजूद नहीं है, जैसे वो कहीं पर हो ही नहीं। पाकिस्तान के अखबार के अंदर ये और दावा किया गया था कि अभिनंदन को वापस सौंपना जेस्चर ऑफ पीस था इंडिया के साथ में, जबकि अमेरिका के अखबार ने क्या लिखा है, वो ये लिखते हैं कि पाकिस्तान इंडिया एक बड़े युद्ध के नजदीक आ गए थे, इसीलिए पाकिस्तान को हाथ खड़े करने पड़े, युद्ध टालने के लिए अभिनंदन को वापस देना पड़ा। पाकिस्तान के दावे एक के बाद में एक झूठ निकलते जा रहे थे। F-16 बोले कि वहां पर था ही नहीं इसलिए मारा नहीं जा सकता। बाद में पता पड़ा कि मिसाइल F-16 से निकली थी, उसके अवशेष मिल गए। दूसरी बात, पाकिस्तान ने यह कही कि अभिनंदन का जो मेघ है उसके अंदर 4 मिसाइलें लगी हुई थी और ये चारों के चारों मिसाइलें यहां पर हम मौजूद करके दिखाते हैं। और इसका मतलब अभिनंदन के मिग से किसी भी F-16 के ऊपर कोई मिसाइल चली नहीं जब चारों के चारों उपलब्ध हैं। हर एक बात पर बेइज्जती कराने वाला पाकिस्तान दो बातों के ऊपर फंस गया। पहली बात तो ये थी कि आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये जो फोटोग्राफ डाली गई है बहुत ही लो रेजोल्यूशन फोटोग्राफ डाली गई है और देखने से लगता है कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के अंदर से ये फोटो खींची गई है। ऐसा इसलिए कि भारत की तरीके से पाकिस्तान ने इन चारों में से किसी एक मिसाइल का भी सीरियल नंबर नहीं दिखाया, क्योंकि वो मिसाइलें कहीं और से खरीदी हुई थी। दूसरा, उन चारों मिसाइलों में एक मिसाइल ऐसी भी थी जो कि फटी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से फटी है। MiG-21 विमान एक पुराना विमान है जो कि लॉक करके मिसाइल तो छोड़ता ही है, साथ ही के अंदर दिखाई देने पर निशाना मारकर जैसे गोली छोड़ता है वैसे मिसाइल छोड़ सकता है, वहां पर यह प्रॉक्सिमिटी फ्यूज काम आता है। अब पाकिस्तान की इज्जत का सबसे बड़ा कचरा तो इस F-16 के कचरे के आने के बाद में हुआ। एक ऐसी फोटो सामने आती है जिसके ऊपर तारीख है, सोशल मीडिया पाकिस्तान के ऊपर ये फैल जाती है और ये जो तारीख है वो उसी दिन की दिखाई दे रही है, 27 फरवरी 2019 सुबह के 10:47। और ये जो कचरा मिला है ये F-16 के इंजन का कचरा है जिसको अभिनंदन ने मार गिराया था। ये देखिए साफ तौर पर ये जो इंजन है ये इससे मेल खा रहा है। हर एक फाइटर का इंजन अलग प्रकार से होता है और साफ तौर पर यहां पर F-16 मारा गया था। इसके ऊपर पाकिस्तान के डिफेंस ने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि एक नहीं दो पायलट पकड़े गए हैं, दूसरा पायलट तो उनका खुद का था जो कि F-16 से गिरा था। दो पायलट्स जमीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया। अब ये जो F-16 विमान है इसको अमेरिका बेचता है, बहुत सारा पैसा मिलता है इसको अमेरिका की कंपनी को, कुल मिला के अमेरिका को मिलता है। और अपनी वेबसाइट के ऊपर F-16 की बड़ाई करने के लिए F-16 इन न्यूज नाम का एक कॉलम भी चलाते हैं। अब यहाँ पर लोग न्यूज देखेंगे तो क्या देखेंगे, न्यूज दिखाई देगी कि F-16 को मार गिराया एक बहुत ही पुराने सस्ते रशियन विमान से एक जांबाज पायलट ने। अब एक और खुलासा जो रह गया था जिसका पाकिस्तान वाले ढिंडोरा पीट रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिशियल्स ने यह बताया है कि कोई F-16 गिरा नहीं है, सारे के सारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये कहां से आया। प्रेस चाहे इंडिया की हो चाहे बाहर की हो यहां पर थोड़ा घालमेल तो चलता ही रहता है, एडवर्टाइजर्स के ऊपर बेस्ड होती है हर जगह की मीडिया। इस मैगजीन की खबर के ऊपर पाकिस्तान इतना शोर मचा रहा था कि देखिए यूएस के एक्सपर्ट्स ने बोल दिया। इसके अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर लिखा है दो सीनियर यूएस डिफेंस ऑफिशियल से उन्होंने बात की है और उन्होंने बताया है कि F-16 गिरा नहीं था। और दूसरी बात यह कही है कि हो सकता है कि MiG-21 का एक लॉक उनके ऊपर लग गया हो। दोनों बातों के ऊपर सेम टाइम में एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चंस खड़े किए, आप भी देखोगे तो समझ जाओगे। पहली बात तो ये कि सब ये पूछ रहे हैं कि उन यूएस सीनियर ऑफिशियल्स का आप नाम क्यों नहीं बता रहे हो। इतनी बड़ी खबर है, आपने खुलासा किया है, बड़े बड़े न्यूज़पेपर कर नहीं पाए, छोटी सी मैगजीन ने किया है, तो कम से कम आपको नाम तो लिखना चाहिए था ताकि लोगों को आपके ऊपर विश्वास तो हो। दूसरी बात ये लिखते हैं कि हो सकता है कि F-16 के ऊपर MiG-21 का लॉक लग गया हो उसकी मिसाइल का, मगर वो मिसाइल का अटैक नहीं कर पाए हो। अब पहली बात तो यह है कि आप कह रहे हो कि F-16 वहां पर था ही नहीं, फिर आप कह रहे हो कि हो सकता है उसके ऊपर लॉक लग गया हो, पकड़े गए ना। दूसरी बात, आपने जो मिसाइल दिखाई है वो तो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज वाली मिसाइल है, यानी कि वो डॉग फाइट वाली मिसाइल है भाई, और डॉग फाइट वाली मिसाइल लॉक करके नहीं लगाई जाती। आप कहां पे इस लॉक की बात कर रहे हो, आपकी तो एक भी बात नहीं चल रही। बात केवल ये समझ में आ रही है कि अभिनंदन के कारनामे के बाद में 3000 F-16 जो कि 25 अलग अलग कंट्रीज के अंदर चल रहे हैं उनके खरीदार अब खत्म हो चुके हैं, उनको कोई खरीदना नहीं चाहता, जबरदस्ती बेचना पड़ रहा है। बात असल में यह है, पाकिस्तान को F-16 दे दो, पैटर्न टैंक दे दो, कहीं से कुछ ही दे दो, उसे हमेशा बेइज्जती करानी है। 1965 में सेंचुरियन टैंक्स जो ब्रिटिशर्स के पुराने टैंक थे उन्होंने अमेरिका के आधुनिक पैटर्न टैंकों का कबाड़ा किया था और पैदल सैनिकों ने भी इसको पकड़ पकड़ के खूब ठोका था। और 1965 के बाद 2019 के अंदर हिस्ट्री दोबारा से रिपीट हुई और हमारे वीर योद्धाओं ने वो काम किया जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। हमारे योद्धाओं के ऊपर हमें नाज
जहाज है जो कि पुराने इक्विपमेंट के साथ में भी नए इक्विपमेंट के सामने लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, खत्म कर देते हैं। और अब तो हमारे पास में राफेल और उन्नत टेक्नोलॉजी आ गई है, अब तुम्हारा क्या हाल होगा। पूरे विश्व के अंदर दो बातें स्थापित हो चुकी है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान को कोई सामान मत दो, क्योंकि उसका ऐसी बेइज्जती होगी कि सामान बिकना बंद हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि भारत के पास में जो योद्धा हैं वो उनके उपकरणों से भी ज्यादा तेज तर्रार काबिल अदम्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।